भैया आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बना लिया है या फिर अपना ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर आ सकती हैं। हो सकता है कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँ, तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको जो समस्या आ रही है इसको बनाने के बाद या फिर इसको बनाने में या फिर इसको बनाते टाइम। लेकिन जितनी भी समस्या होगी अभी तक मुझे जानकारी मिली है उसके बारे में बात हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले जो समस्या आ रही है वो है ओटीपी की प्रॉब्लम। कई लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं कि भैया ओटीपी नहीं आ रही है ई श्रम कार्ड बनाने के टाइम, मतलब जो आधार कार्ड में नंबर डला हुआ है उस नंबर पे ओटीपी नहीं आ रही है। तो भैया ओटीपी की प्रॉब्लम इसलिए आती है, आपने जो आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर करवा रखा है वो आपको मालूम है या नहीं मालूम है कि भैया मेरा आधार कार्ड में नंबर ये रजिस्टर है या नहीं है। अब कई लोग गाँव से आते हैं उनको यही नहीं पता होता कि भैया आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर भी होता है या नहीं होता है, क्या उस टाइम उनके पुराने आधार कार्ड बने होते हैं और उन्होंने कोई नंबर नहीं डलवाया होता है। अगर आपको भी नहीं पता है कि आधार कार्ड में आपका नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं नंबर रजिस्टर्ड है या फिर नंबर रजिस्टर्ड है तो कौन सा रजिस्टर्ड है, आप इसकी जानकारी के लिए eAadhaar.com को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको आधार नंबर वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। जब आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर भी लिखकर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट आएंगे। आपको बस 4 डिजिट देखकर ही समझना पड़ेगा कि भैया ये वाला नंबर मेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है, उस नंबर पर ही आपकी ओटीपी आएगी। अब ओटीपी आते टाइम भी एक समस्या रहती है कि भैया ओटीपी जिस नंबर पे आ रही है उस नंबर में रिचार्ज होना चाहिए, अगर आपके मोबाइल नंबर पे रिचार्ज ही नहीं है तो भी ओटीपी नहीं आती है, कई बार ऐसा हो जाता है। और ओटीपी भेजते टाइम तीसरी समस्या ये आती है कि भैया सब कुछ है आपके पास लेकिन फिर भी ओटीपी नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप एक बार ब्राउजर को क्लोज करें और दोबारा से ब्राउजर को ओपन करके दोबारा से ओटीपी भेज कर देखें, अगर फिर भी नहीं आ रही तो आप ब्राउजर को चेंज करके ओटीपी भेज के देख सकते हैं। कभी कभार क्या होता है सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से भी ओटीपी नहीं आती है, तो हो सकता है 24 से 48 घंटे के बाद आप दोबारा से जब ट्राई करेंगे तो ओटीपी आ जाए आपके नंबर पर। और भैया दूसरी प्रॉब्लम लोगों को कार्ड बनाते टाइम ये आ रही है कि जब वो अपनी कार्ड की डिटेल को फिल कर देते हैं फॉर्म फिल करते टाइम और जब वो अपना कार्ड डाउनलोड करते हैं पीडीएफ वगैरह में तो उनका कार्ड ब्लैंक आ जाता है, तो इसके लिए आप दोबारा से साइट को लॉग इन कर ले ब्राउजर को क्लोज करके, उसमें जो कुकीज वगैरह बन जाती है कैश मेमोरी वगैरह बन जाती है उसको क्लीन करके देख लें या ब्राउजर को चेंज करके देख लें। जब आप दोबारा से लॉग इन करेंगे, मेरे साथ भी कई बार ये समस्या आई है, जब आप दोबारा से ब्राउजर को चेंज करके लॉग इन करके देखते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो आपकी पीडीएफ में जो भी डिटेल नहीं दिख रही होती वो सभी डिटेल दिखने लगती है। अब भैया तीसरी समस्या लोगों को ये आ रही है कि उनके कार्ड में उनकी फोटो ही नजर नहीं आ रही है जो कि आधार कार्ड पर लगी हुई थी, और कई लोग तो अपनी फोटो को चेंज करना चाहते हैं कि भैया मेरी फोटो चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है ये जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपने जब अपना कार्ड डाउनलोड किया है और उसमें फोटो नजर नहीं आ रही है तो भी आपको यही करना पड़ेगा भैया अपना ब्राउजर वगैरह चेंज करके देख लें, उसकी कैश मेमोरी या फिर कुकीज वगैरह क्लियर करके देख लें, तो हो सकता है आपकी फोटो जो नजर नहीं आ रही थी वो नजर आने लगे जब आप दोबारा से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। और अगर आप अपनी फोटो को चेंज करना चाहते हैं जो कि कार्ड में बन के आ रही है तो भैया फोटो को चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है जब तक कि आप अपने आधार कार्ड की फोटो को चेंज नहीं करवाते हैं। जब आप अपनी आधार कार्ड की फोटो को चेंज करवा लेंगे उसके बाद आप कार्ड को दोबारा डाउनलोड करेंगे रीवेरीफाई करेंगे तो उसमें भी फोटो चेंज होकर आ जाएगी, ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और भैया चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, अगर उनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है और उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रही तो वो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो उनको अपना आधार नंबर चेक करना पड़ेगा वेरीफाई करके, जो मैंने शुरुआत में बता दिया है आपको भैया आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ये आप चेक कर लें ऑनलाइन ई आधार की वेबसाइट पर जाकर, इसके लिए मैं आपको अभी दिखा दूंगा कैसे आपको वेरीफाई करना है। जब आप उसको वेरीफाई कर लें उसमें अगर आपको मोबाइल नंबर नजर नहीं आ रहा है तो आपको अपने आधार कार्ड केंद्र पर जाना पड़ेगा जहां से आप अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर डलवा सकते हैं। आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने वाली प्रोसेस में कम से कम 7 से 8 दिन का टाइम लग सकता है। और दूसरी प्रोसेस इसकी ये है कि आप सीएससी सेंटर जो अपने आसपास में सीएससी सेंटर बने हुए हैं उस पर जाके अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। वैसे तो ये कार्ड फ्री होता है, आप अपने आधार कार्ड की डिटेल भर के खुद ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सीएससी सेंटर पे जाएंगे तो हो सकता है 20 से 30 रुपए वो आपसे चार्ज करे, तो आप अपने हिसाब से देख लें कहाँ आपको सुविधा हो रही है। अब सीएससी सेंटर वाले कैसे बनाते हैं, सीएससी सेंटर वालों के पास क्या रहता है फिंगरप्रिंट वाली डिवाइस रहती है, अगर आपके आधार नंबर पर ओटीपी नहीं आ रही है जो आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी नहीं आ रही है या फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे आपके अंगूठे का निशान अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस पर लगाएंगे और आपकी डिटेल वगैरह को फिल कर देंगे और इससे आपका कार्ड बन के आ जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करवाना है ई आधार की वेबसाइट पर जाकर, इसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है यहाँ पर मैंने uidai.gov.in वेबसाइट ओपन कर ली है, आप चाहे तो ई आधार गूगल पर डालेंगे तो भी इसकी लिंक सबसे पहले नंबर पर आ जाएगी। अब जब ये वेबसाइट ओपन हो जाए आप इसको अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं या फिर चाहे तो इसको अपने पीसी में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड आधार नंबर वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपसे आधार नंबर मांगेगा, इसमें आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है, ये कैप्चा जो यहाँ पर लिखकर आ रहा है इसको आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आए, अब यहाँ पर ये ओ बना है या जीरो बना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इस पर रिफ्रेश कर देता हूँ। अब इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देते हैं।
और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल्स कुछ लिखकर आ गई हैं, जैसे कि एज बैंड लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अब कई लोगों के मोबाइल नंबर वाला ये ऑप्शन ब्लैंक रहता है। ब्लैंक इसलिए रहता है क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर डला ही नहीं होता है। अगर आपके में ये ऑप्शन ब्लैंक आ रहा है तो आपको अपने नज़दीकी आधार कार्ड केंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, या फिर आप CSC सेंटर पर जाकर ई श्रम कार्ड भी बनवा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट ही डले हुए हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा ऐसा मोबाइल नंबर था जिसके लास्ट के 3 डिजिट यही थे। अगर आपको भी इन 4 प्रॉब्लम के अलावा कोई और समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि भैया आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद, तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन किन को ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए, किन किन को नहीं बनवाना चाहिए, तो उसके लिए आप राइट साइड वाली वीडियो को जरूर देखें।